हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मन, आप देख रहे हैं कार म्यूटर्स। ये देख लो भाई, एक की बैक साइड देख लो, एक की फ्रंट साइड देख लो। ये जो है भाई पंजाब से आई थी और एक हमारी दिल्ली की रहने वाली है। तो दोनों कौन सा मॉडल आता भाई? दोनों सिग्मा वेरिएंट है। दोनों सिग्मा है। इसमें 10 इंच वाली स्क्रीन लगाई है विद 360 और इसमें 9 इंच लगाया है, ओनली बैक कैमरा। ठीक है, दोनों चीजें दिखा देंगे भाई। बाकी इसमें अलॉय लगे हुए हैं। अलॉय क्या रेट दे रहे हो भाई, इधर आ जाओ, रेट बताते रहो। सिग्मा जो बेस्ट जो टॉप करवा रहे सारा काम उनके लिए 35,000 रुपये। ओनली जो थोड़ा मोड़ा एसएससी लगवाना है, ओलाई भी लेना, तो उनको 37,400 पड़ेगा। ठीक है भाई, 20% रहेगा बाकियों के लिए, और जो पूरा काम करा रहा है बेस्ट उठो उसके लिए थोड़ा ज्यादा परसेंटेज रहेगा। नॉर्मल ऐसे दिखते हैं, आप चेकआउट कर पाओगे। व्हील कैप लगे रहते हैं। व्हील कैप भी पड़े हैं आपके पास? व्हील कैप भी पड़े। किसी का खो जाए तो बहुत सारे पड़े हुए हैं वहाँ पे, आप देख पाओगे भाई। ये अकाउंटिंग कार्ड जहाँ पे आप आगे सेम काम करा सकते हो, और व्हील कैप बहुत सारे पड़े हैं। सामान वामान भी इधर मारुति का ऐसे ही पड़ा रहता है क्योंकि बहुत सारा इनके पास। तो अभी गाड़ियाँ दोनों पैक हो चुकी है, लेकिन वो देख पाओगे भाई टॉप मॉडल का दरवाजा वहाँ पे पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे सामान की क्वांटिटी बहुत रहती है। गाड़ी 10 भी आ जाएगी, 10 के साथ मॉडिफाई हो जाएगी। अपने संडे को मेरा वीडियो देखो, 10 लाइनें से होती है। ठीक है भाई, इसमें चिपकाने वाला आइटम आप लोगों को ऑलरेडी सारी चीजें पता है, हमारी ओल्ड वीडियोस देख के। तो इसको भाई कवर नहीं करते ज्यादा देर। ठीक है, पीछे का एक आता है, एक आगे का आता है, एक यहाँ का आता है, एक यहाँ का आता है, बहुत सारे आते हैं। सारे मिल जाएंगे? सारे मिल जाएगा। ठीक है, बाकी इसमें हेडलाइट का ये लगा हुआ है, इधर नीचे देख पाओगे ये वाला लगा हुआ है। तो हर तरीके का यहाँ पे मिल जाएगा। पहले कौन सी गाड़ी दिखाए भाई? बेस्ट टू टॉप बनाया उसको दिखाते हैं, फिर जो थोड़ा काम उसमें दिखाते हैं। ठीक है, उसमें तो मेनली 360 ज्यादा है। इसमें सबसे पहले आते हैं तो भाई आगे एलईडी, आगे एलईडी इंस्टॉल कौन सी इंस्टॉल करी? 200 वाट। चलाओ एक बारी एलईडी को, चला दो भाई। वो देखो सामने देख पाओगे भाई, करो डिपर मारो भाई। ये देखो 200 वाट की यहाँ पे इंस्टॉल करी है, और यहाँ ऑलरेडी इतनी हाई पावर की एलईडी वो देखो वो लगी पड़ी, तो बढ़िया तरीके से यहाँ पे इंस्टॉल हो गई है। अंधेरे में तो मजा आ जाएगा। इसमें भी लगाई है, इसमें कौन सी लगाई है? 160 लगाई है। वो देख लो 160 भी वहाँ पे जल रही है। अंधेरा है उधर पूरा, अभी लाइट बंद कर दूंगा तो बिल्कुल अंधेरा है, क्योंकि यहाँ कोई लाइट नहीं है इस साइड, तो पूरा अंधेरा है, लेकिन ब्राइटनेस देख पाओगे। 160 है उसमें? हाँ, 160 वाट है। ठीक है भाई, अंदर आ जाते हैं। अंदर बताओ क्या करा इसके अंदर हमने, जो अपने मिस लाइट रहने वाली K4 लगाई इसके अंदर। ठीक है, ये पूरा पियानो के टॉप मॉडल वाला जो अपने रहने वाला है, दरवाजा चेंज नहीं करा है। किसी भाई का इंटीरियर करवाना है इसी के ऊपर इंटीरियर हो जाएगा। किसी भाई का टॉप मॉडल का दरवाजा चाहिए, टॉप मॉडल का दरवाजा दे देंगे। ठीक है, इधर अंदर आ जाते हैं भाई। यहाँ पे क्या करा है? मैट कंपनी का डले हुए हैं, फ्लोरिंग नहीं करी आज, क्या बात है भैया? बोला मैं साफ सुथरा रखता हूँ, इसलिए मैट मैं इसे डाल सकता हूँ। ठीक है भाई, इजी मैट कंपनी के चल रहे हैं भाई। पीछे आप लोगों को लुक चेकआउट करा देते हैं। अगेन आप लोगों को वही चीज़ें देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पे ग्लोसी रहता है, सीट कवर यहाँ पे इंस्टॉल करे गए हैं, और यहाँ पे अगर आप देखते हो तो सीट कवर यहाँ देख पाओगे पूरा डायमंड की थ्रू तौर पे इंस्टॉल करा है। बाकी ऊपर इसमें हिंज होता है, तो हिंज के लिए पूरी यहाँ पे स्टिचिंग देके इसको कंप्लीट किया जाता है। यहाँ पे पूरा डुअल स्टिच का डिजाइन आप लोग चेकआउट कर पाएंगे कैसा रहता है। एक भी रिंकल नहीं है, देख लो। ये लेदर कौन सा भाई? ये वाला ये है शाखा नंबर 7। ठीक है भाई, इधर देख लो, ये रहता है आपका एड्रेस में लॉक है। ठीक है भाई, पीछे लॉक है, ये आर्मरेस्ट हो गया इसका। पीछे उधर की सीट दिखा दो भाई, उधर की क्या लगा है? ठीक है, बैक साइड की हो गई है भाई। इसमें दो मैगजीन होल्डर मिल जाएंगे थोड़े से स्टोरेज के लिए, सामान वामान डालने के लिए दोनों साइड पे मिल जाएंगे। बैक यूएसबी जेन्युइन मिल जाती है, ओरिजिनल मिलेगी बिल्कुल बिल्कुल, फ्रंट बैक दोनों ओरिजिनल। ठीक है, इसमें पार्सल ट्रे डाली है ना, इसमें डाली है, उसमें नहीं डाली, बेस मॉडल में नहीं आती, उसमें नहीं डाला। ठीक है, इधर पीछे चल के सामान दिखाते हैं पहले क्या क्या करा। बहुत सारी चीजें यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को मिल जाएगा यहाँ पे बूट मैट, जो कंपनी का लगा हुआ भाई के पास भी मिल जाता है बिल्कुल। कितने का है वो वाला बूटमेट? 1550। ठीक है, बाकी डीडी का लगा है इसमें सिस्टम है? डीडी का कंपोनेंट आगे लगा है, पीछे क्रॉप से लगा है, सर कॉम्बो लगाया आगे पीछे। बाकी कैमराज इंस्टॉल हुए हैं भाई, डैश कैम भी इंस्टॉल हुआ है? डैश कैम हुआ है। बाकी इधर देख लोगे टॉप मॉडल का स्टीयरिंग भी इंस्टॉल करा है, फुल ब्लैक में दिखा देंगे। चलो वो आगे चलते हैं भाई, अभी आगे थोड़ा सा काम चल रहा है, तब तक आप लोगों को ये वाली पूरी चेकआउट कराते हैं। इसमें क्या है, आगे आ जाते हैं। 160 चिपकाने का आइटम आगे कुछ नहीं है। अंदर की साइड आपको 10 इंची वाला स्क्रीन विद 360 चेक कराता हूँ। यहाँ देख पाओगे भाई, अगेन एम्बियंस लाइट इंस्टॉल करी गई है। इसमें ग्लोसी नहीं करे, उस वाले में ग्लोसी करे, वो मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। ग्लोसी किया ना उसमें? हाँ, उसमें ग्लोसी करे हमने। तो लोग करवाते भी नहीं, क्या चक्कर है? लोग को काफी को पसंद होता है, काफी के नहीं होता। लोग बेस मॉडल इसीलिए खरीदता है, अपने मन से सिस्टम लगा लिए, एमएस लाइट हो गया, सीट कवर हो गया, बस यही नहीं जुलाते। किसी को होता है टॉप बनवाना है, प्रीमियम लोग जो क्वालिटी गाड़ी का करवाना था वो लोग करवाते हैं। ठीक है, बाकी इधर भाई सिस्टम आप लोगों को चेकआउट करा देता हूँ। 10.5 इंच की स्क्रीन आप लोगों को इसमें मिलेगी, इनबिल्ट फ्रेम मिलता है, नेविगेशन बटन आप लोगों को सारे यहाँ पे नीचे मिलेंगे देखने के लिए, और बाकी मैं आपको यहाँ मिलते हैं 9 इंची वाले में। अब बाकी आपको दिखाते हैं भाई, इसमें 360 भी रन करके दिखाऊंगा। तो 10 इंचेस का पहले फ्रेम आप लोग चेक कर लो, जैसा आपका आता है 9 इंच में जो लगता है सेम वैसा ही है। प्लस इसके अंदर इस तरीके से पूरा का सिस्टम इनबिल्ट, पूरा विद फ्रेम आता है ना सिस्टम में वाला? हाँ, विद फ्रेम आता है, सब कुछ लगा लगाया आता है इसके अंदर। तो ये ग्लोसी भी जो है वो कंपनी से ही जो आती है वही लगी रहती है इसके अंदर। तो यहाँ पे देख पाओगे भाई, ये बैक कैमरा है,
ये फ्रंट कैमरा आपका, बाकी 3D व्यू आप लोगों को इस तरीके से बेटर समझ में आ जाएगा। ये आप पूरा देख पाओगे, ये आप गटर का वो देख लो भाई, यहाँ पे आपको पूरा दिख रहा है नीचे मिट्टी। ये देखो भैया पीछे खड़े हैं तीन, ये कपड़ा फैला पड़ा है, ये दिख रहा है नीचे न्यूज़पेपर, टायर, सारी चीज़ें आप लोगों को एक्यूरेट दिखेगी। अभी बाकी अगर आप ऐसे देखोगे तो इतना आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पास में, मेन इसका काम होता है भाई नीचे पूरी चारों साइड आप लोग गाड़ी का चेकआउट कर पाएं। इधर हो गया भाई, इधर बैक से देखेंगे तो इस तरीके से आ जाएगी, फ्रंट से देखेंगे तो इस तरीके से आ जाएगी। बाकी इसमें लेफ्ट इंडिकेटर देके दिखाओ भाई क्या होता है। ठीक है, चल जाएगा डायरेक्ट, देखो चल जाएगा इंडिकेटर, मेरे हिसाब से नहीं चल रहा ना, चाबी नहीं है भाई उसके अंदर, सेंटर का चल जाएगा तो आप इस तरीके से देख पाओगे। बाकी मैं आपको बता देता हूँ इंडिकेटर में क्या होगा, लेफ्ट इंडिकेटर दोगे तो ऐसा आएगा, राइट इंडिकेटर दोगे तो राइट का पूरा व्यू आएगा। बाकी सेंटर चलाना चाहो, 360 ऐसा आता है आफ्टर मार्केट में जो अपने पास ना, वो इस तरीके का नहीं दिखाएगा व्यू, वो अलग ही टाइप का ऐसा दो कट बना, आपको उसमें इसमें समझ नहीं आएगा काफी, तो ये फर्क है आफ्टर मार्केट 360 में। आप इस कैमरा में हमारे में देख लो कैसे ऑप्शन है, ये गाड़ी हुई बना हुआ है, ये टॉप लेवल आ रही है इसकी, हाँ, और ये राइट आ रही है, लेफ्ट आ रही है टायर। हाँ, एक आप देखना ध्यान से, कोई भी 360 में ऐसा दो कट होगा तो प्रॉपर विजन नहीं दिखाएगा आपको, वो बबल टाइप ऐसे बना होता है ना, वही बना होगा, वो प्रॉपर व्यू नहीं आएगा। 360 का व्यू इसी में आपको समझ में आएगा, जो गाड़ी का व्यू आना ये आपकी गाड़ी प्रॉपर है। उसमें एक बेनिफिट होता है, जैसे इसमें आगे आगे का दिख रहा है ना, उसमें पूरा दिखता है, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग तो होता है लेकिन उसमें इस वाले ऑप्शन में पूरा दिखता है, तो दोनों का माइनस पॉइंट भी है प्लस पॉइंट भी है। और क्या करा भाई इस गाड़ी में, बस बाकी स्टीयरिंग रैप करा भाई, मून टाइप स्टीयरिंग रैप हुआ डबल कलर में जो अपने रहने वाला है, मून डिजाइन चलता है, 70 मैट इंस्टॉल कर रहे हैं जो अपने रहने वाले। 70 मैट तो भाई नीचे वैसे अंधेरा हो रहा है, पर आप चेकआउट थोड़ा सा कर पाएंगे। 70 मैट में हैवी बताओ कुछ, 90 मिल जाएगा, ट्रे वाला मिल जाएगा, काफी मैट मिल जाएगा अपने पास, तीन चार क्वालिटी का रेट में मिल जाएगा। ठीक है, इसमें स्पीकर्स कुछ नहीं करे, आगे वाले पीछे लगा दिए और आगे डीडी का लगा दिया कोएक्सल। ठीक है, बाकी लगाया ब्रांड, ये कोशिश पूरी करिए भाई ने कम बजट में भी ब्रांड सब कुछ देने का। 70,000 का गाड़ी का बजट था और 70,000 में मॉडिफाई करके। ठीक है, और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें इसके अंदर, जैसे बूट लैंप हो गया, बैक यूएसबी हो गई, तो फ्रंट यूएसबी भी लगी है ना, ये हो गई, तो छोटी छोटी बहुत सारी चीजें इसमें। स्टीयरिंग चेंज नहीं हुआ, ओनली रैप हुआ है, सिस्टम हुआ है विद 360 विद फिटिंग, रिले व्हील इंस्टॉल हुई होगी, ऑटो फोल्डिंग फोल्डिंग की, हाँ, लाइट अंदर की व्हाइट हुई है, बाहर थोड़ा बहुत चिपकाने का आइटम हुआ है। बाकी ये देखो 160 वॉट का रिस्पॉन्स, एक बार बंद कर दो लाइट जब भी दिखेगा ना अंधेरा, ये देखो मैं कह रहा था आप लोगों को कि भाई इधर अंधेरा है पूरा का पूरा, अब देखो तो ये है, मतलब छोटी मोटी करते करते बहुत सारी चीजें इसमें लगा दी, बहुत चीज लगा दी कम बजट में भी। कस्टमर का बजट ही इतना था, बोला मेरे को कम बजट में ही अच्छा चीज चाहिए, भले दो पार्ट में काम कराऊंगा लेकिन चीज अच्छा चीज है। बस इसका रह गया भाई पीछे पार्सल ट्रे डालनी है और सीट बस कवर, खाली सीट कवर का इंटीरियर का काम रह गया, लाए तो भैया बोले लाए बम्पर जी डलवा लेंगे, वो भी ठीक है क्योंकि इसमें टायर चेंज करने की टेंशन नहीं है। बाकी इसमें एम्बिएंट लाइट तो हम लोगों ने इधर नीचे इंस्टॉल करी है, ऊपर की साइड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अभी फैब्रिक है और इधर जो है पूरा प्लास्टिक की है। बाकी इसमें अलग अलग मोड्स होते हैं काफी सारे, जैसे अभी जल गया ठीक है, इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो, सिर्फ सेंटर चाहिए वो सब, सेटिंग में जाओ बहुत सारी चीजें आती है, तो आजकल टेक्निकल इतनी हो गई है ना। बिल्कुल, चलो भाई उस वाली में चलते हैं, आप लोगों को सिस्टम के बारे में थोड़ा सा दिखा दें। रिमोट भी इधर इंस्टॉल हुआ है, अच्छा ये बटन स्विच लगाया भाई ने इस साइड, कलर चेंज भी होता है भाई इसमें, मोड भी आप लोगों को मिल जाएंगे, एप्लीकेशन भी है ना, टेक्निकल काफी हो गई है चीजें आजकल, बल्कि बाकी एप्लीकेशन आप चाहो तो एंड्रॉइड का जो भाई लगवा रहा है वो इसमें भी इंस्टॉल कर सकता है प्ले स्टोर से। ये रहा प्ले स्टोर, प्ले स्टोर खोलना है, जीमेल साइन इन करना है, उसके बाद आप इसकी एप्लीकेशन यहाँ से भी डायरेक्ट लगा, ये टच लगेगा ना जो आप सोचते हो 6,000 में एंड्रॉइड मिल जाता है या 5,000 में एंड्रॉइड मिल जाता है, वो एंड्रॉइड अलग होता है भैया, इस क्वालिटी में नहीं आ पाएगा कभी भी। हाँ, जो वो भी है ना, वो है ना दिखाने के लिए, वो भी है मेरे पास, आईफोन और एंड्रॉइड 6,000 में कितना फर्क है, वही चीज इसमें भी फर्क है। हाँ, ये देख लो भाई आईफोन से देख लो भाई, अंधेरे में भी रिकॉर्डिंग कितनी बढ़िया हो जाती है, ठीक है, और यही भाई कोई 8,000 वाला 10,000 वाला फोन ले लो तो हर चीज की टच का डिस्प्ले की क्वालिटी, हार्डवेयर 6 महीने के अंदर लैग होना प्रॉब्लम होता है, मैं यूज कर रखा हूँ, यूज करता हूँ काफी, चला के कस्टमर का कंप्लेंट आती है, हमारी बीट में लगा हुआ है। हाँ, तो हमने एक ही रिकमेंड कर रखा है भैया, थोड़ा अच्छी क्वालिटी लो क्योंकि मेरे पास बार बार आने की जरूरत नहीं, और इतने दूर दूर से कस्टमर आता है प्यार देते तो क्योंकि उनकी गलत चीज करो, पैसा खर्च कर रहे हैं सामान जनमन चाहिए, लगा दिया ये वाला। अब उसमें थोड़ा सा सेटिंग का रह गया खाली, सिम सिस्टम समझा रहे हैं भैया बैठे हुए, वहाँ देख पाओगे भाई, भाई पूरा समझ रहे हैं कैसे क्या चलाने का, फिर जब हो जाएगा फिर आप लोगों को दिखाते हैं उस गाड़ी में चल के भी। बिल्कुल, ये हो गया भाई काम रेडी हमारा पूरा, ये देख लो यहाँ पे ग्लोसी चेंज करा है, इसमें भी लेदर नहीं लगा, इसमें सिर्फ ग्लोसी लगा है पूरा डिप पेंट वाला, और ये वाला पूरा डिप ये ओरिजिनल लगा है जिसमें सिल्वर वाला सेंटर रिंग होती है, और नीचे वाली गियर वाली भी ओरिजिनल लगी है जिसमें ये वाली सेंटर होती है सिल्वर होती है। बाकी इधर जो है ये रिप्लेसमेंट आते हैं पूरे पूरे एसी वेंट दोनों साइड के वो लगे हैं, है ना भाई। बिल्कुल, और ये जो ग्लोसी लगा है ये वाला डिपेंड का ग्लोसी लगा है, फ्रेम हमारा वाला, हमारा डिपेंड है, हमारा डिपेंड बनेगा आपको।
ठीक है भाई, और क्या है सिस्टम में खास की बात? पहले तो ये दिखा दो भाई स्टीयरिंग पूरा ओरिजिनल, कुछ जबरदस्त होने वाला जो नया चीज लाया जो बहुत पर पूरा ओरिजिनल यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा सिस्टम। पूरा स्टीयरिंग ही नहीं, हमने टॉप मॉडल का चेंज कर दिया, ठीक है, और स्टीयरिंग रैप ब्लैक कर दिया, सिंपल ब्लैक ओनली। और बाकी ये टॉप मॉडल में बहुत ही जबरदस्त लुक आता है। मेन कॉलिंग बटन इसलिए होता है क्योंकि अगर 100 की स्पीड आप चल रहे हो तो कॉल उठा भी सकते हो, काट भी सकते हो, ये नहीं आपको यहाँ पर टच क्लिक करना पड़ेगा। बाकी पूरा वॉल्यूम का पॉज प्ले सब आपको यहीं मिल जाएगा, खाली क्रूज वाला जो आपका है वो एक्टिवेट नहीं होता है। तो फिलहाल एंड्रॉइड ऑटो चल रहा है, फ्लॉलेसली ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गया, भैया बाहर खड़े हैं। खास ये चीज है, सबसे पहले तो फास्ट आपका कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो दोनों कनेक्टिविटी हो जाएगा। मेन भैया फास्ट के लिए गए थे, एंड्रॉइड तो बहुत सारे थे लेकिन हमने जो रिकमेंड भैया को करा, फिर भैया को बोला ये लगा दो, ये ओके, तो इसलिए ये लग चुका है। और कैमरा ये देख लो आपके सामने HD, और HD में गाइडलाइंस मूव के साथ, ठीक है जी। और बताओ, और बाकी इसके अंदर DVR भी लगा जो अपने रहने वाला है, जो HD में रहने वाला है, जो अपने इधर आप देख पाएंगे, इसमें रिकॉर्डिंग भी हो जाएगी, ये फ्रंट कैमरे की रिकॉर्डिंग के लिए इंस्टॉल किया, बिल्कुल डेट टाइम सब बताएगा। 64 रहने वाला है जो अपना एंड्रॉइड है, टच कहीं से लैग नहीं होगा आपके अंदर। ये 6GB रैम है, 64GB इंटरनल है, और इसके अंदर थीम आपको चेंज भी कर सकते हो, कितने मर्जी थीम है, ये देख लो, ये बढ़िया लग रही है वाली, एप्पल जैसी लग रही है, ये भी अच्छा लग रहा है काफी, ठीक है भाई। वो जो मर्जी आपको कस्टमर का चॉइस है, जो मर्जी कर सकते हैं। बाकी इसके अंदर सारा डबल लेयर डैम्पिंग हुआ है, DD का स्पीकर लगा है, बहुत ही अच्छा साउंड है इसके अंदर, जो आप लोगों को Spotify पे सुना सकते हैं। एक चीज ध्यान देना भाई, 5.1 साउंड है इसके अंदर। ईयरफोन लगा के सुनो, राइट टू लेफ्ट आप लोगों को आवाज सुनाई देगी। इसमें एम्पलीफायर भी लगा क्या? नहीं नहीं नहीं, आवाज तो बहुत बढ़िया आ रही है, मेरे को भी पसंद आया, बहुत जबरदस्त साउंड था। ये सिस्टम की वजह से हो रहा है ना? हाँ, सारा सिस्टम के खेले मैंने, तो ये सिस्टम की वजह से आ रही है भाई, आउटपुट बहुत बढ़िया आ रही है, और एम्पलीफायर जैसा लग रहा है, बेस ट्रेबल सब सेट है। पूछा इसके अंदर बूफर भी लगाया गया, ये बोला खाली 4 स्पीकर है, 2 ट्यूटर है, और ये सिस्टम है, मतलब क्या साउंड आ रहा है, मजा आ रहा है इसमें तो, मतलब ये तो आता भी नहीं, मतलब ये साउंड लेने के लिए 20,000 खर्च करना पड़ जाता है एम्पलीफायर लगा के, वो भी मतलब इस तरीके का आवाज नहीं आ पाएगा जो खर्च। ये 5.1 साउंड है ना इसमें, तो इसलिए आप लोगों ने जो सुना, जिसने पीछे जाके दोबारा सुनो भाई, ईयरफोन लगा के राइट टू लेफ्ट, बस बस बहुत है भाई, बहुत है। बाकी इसके अंदर 6GB रैम है, अगेन आप लोगों को बता देते हैं, प्ले स्टोर इसमें मिल जाएगा, प्री इंस्टॉल्ड काफी सारी एप्लीकेशन मिलती है, चाहो तो डिलीट कर सकते हो, यूट्यूब प्री इंस्टॉल मिलेगा, प्ले स्टोर से आप कुछ भी डाउनलोड कर सकते हो, जैसे नॉर्मली आप लोग अपने फोन में एंड्रॉइड फोन में डाउनलोड करते हो। तो ये था इसमें खास चीज, जो सिस्टम लगा इसका भी एक तगड़े लेवल पे लगा है, और उसका भी एक तगड़े लेवल पे लगा है, उसमें तो 360 मेन होता है, कस्टमर 10 साल तो गाड़ी कहीं नहीं छोड़ता, ये 10 साल या कोई 5 साल चलाता है, कोई 7 साल चलाता है, जैसे मन होता है, लेकिन अगर एक सिस्टम बढ़िया लगा होगा ना, तो कभी भी परेशानी आपको ना साउंड में आएगा ना टच में आएगा, तो ये मेन होता है। सिस्टम तो 6-7 हज़ार का धक्के खाते हैं, तो इसीलिए कस्टमर क्वालिटी ही काम करवाए, बेस्ट जगह पे करवाए, ये बात, और जेन्युइन सामान लगवाए। कलर देख लेते हैं बाकी भाई, ये बढ़िया लग रहा है, देख लो, ठीक है, इसमें इसमें K4 और उसमें K3 थी ना। यहाँ पे भाई देख लो, पूरा सॉफ्ट टच रेडी किया गया डोर्स पे, यहाँ पे भी कर देंगे नेक्स्ट टाइम, बाकी सीट कवर दिखाएंगे भाई, सीट कवर नेक्स्ट लेवल होते हैं हमारे पास, ये देख लो, प्रीमियम क्वालिटी, ना पसीना आएगा ना कुछ आएगा, जो अपने रहने वाला, ये देख लो। वारंटी कितनी रहती है? 1 ईयर 5 ईयर, लेकिन कस्टमर जैसे हमारे से जब तक जुड़े तो हम 10 साल भी दे देंगे। ठीक है भाई, डिपेंड करता है जब आप आ रहे हो क्या डीलिंग है आप लोगों के साथ में, उसके अकॉर्डिंगली आप लोग यहाँ पे आके काम करवा सकते हैं। एक भी रिंकल नहीं, पीछे दिखा दो, हमारे पीछे तो पहले ही दिखा दिए, स्टार्टिंग में देख लिया, पीछे तो पूरा आगे भी नहीं मिलेगा, ये नहीं जो पीछे नहीं, आगे भी नहीं मिलेगा, अपने पास सीट के ऊपर मेन क्वालिटी के लिए आते हैं, बाकी ये लेदर के ऊपर, लेदर और बजट के ऊपर डिजाइन करते हैं। ये हाई एंड कवर तो 6,000, 7,000, 5,000, 10,000, 7,000, 6,000 यही धक्के खाते हैं, लेकिन अपने पास क्वालिटी 9,500, 10,000 तक, 12,500 तक मिलेगा अपने। ठीक है, ये है भाई क्वालिटी, तो 20,000 तक भी अपने पास, मतलब कहीं पे भी कुछ भी लगा देंगे। हाँ, कोई लिमिट नहीं है इसके अंदर कोई चीज का, इसीलिए कस्टमर जितना महंगा सोचते उतना महंगा दे देंगे। ठीक है, बाकी गियर भी चेंज कर दिया हमने, ये भी चेंज हुआ भाई, फ्रंट USB लगी है इसमें, ओरिजिनल फ्रंट USB भी मिल जाती है। हाँ, फ्रंट USB मिल जाता है, लोग तो सीधा डैशबोर्ड उठा लेते हैं, ग्लोसी उठा लेते हैं, हाँ जी हमारे पास ये सामान है, फिर क्रोम रोम, मैं तो आपको ये, चलो ये एक पीस दिखा दिया वीडियो में, ये दिखा दिया,
ये दिखा दिया, स्टेयरिंग दिखा दिया, सीट कवर दिखा दिया, सिस्टम ये तो हर जगह, क्रोम रोम भी होना चाहिए, ट्विटर सोर्स भी होना चाहिए जो अपने पास सारा जेन्युइन पार्ट्स रहते हैं। सही है, मतलब हर चीज अगर आप काम करवाओ ना तो ऐसा नहीं होना चाहिए जो मांगने वाला काम करवाओ। बूट लाइट है इसमें लगाई, बूट लाइट भी हमने कॉम्प्लीमेंट डाले भैया को, और गेनो भी कॉम्प्लीमेंट डाले हैं जो पूरा काम करवाए इसीलिए। ठीक है भाई, बढ़िया लगा वीडियो, बाकी होपफुली वीडियो देख के मजा आया, मेक श्योर लाइक सब्सक्राइब शेयर। भाई मिलेंगे आपको एट काउंटिंग कार्स, वहाँ पे आप लोग चेकआउट कर पा रहे हैं और यहाँ पे आप लोगों को पूरा सिस्टम मिल जाएगा, सामान पूरा मिल जाएगा। देखो कैसे डब्बे फेंके जा रहे हैं नेक्सा के बाहर, खाली डब्बे, और इधर देख लो भाई काउंटिंग कार्स आप लोगों को यहाँ मिल जाएगी। बाकी भैया बाहर खड़े हैं भाई, यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में, वीडियो देख के मजा आया, डायरेक्टली आ जाओ काउंटिंग कार्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। ओके बाय बाय।